चंबल अंचल में भीषण गर्मी के बीच लोगों की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पानी की कमी के चलते जल संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते ग्वालियर नगर निगम और प्रशासन ने अब 2 दिन छोड़कर पेयजल की आपूर्ति करने की तैयारी कर ली है, जिससे आमजन की परेशानी बढ़ना तय है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी की बड़ी समस्या है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विगत वर्ष में लगभग 100 mm बरसात कम रही है ग्वालियर में, तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव हम लोगों को अब देखने को मिल रहे हैं। हमारे जलाशय पूरे लेवल तक भर भी नहीं पाए थे पिछली बरसात में, तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि जो फोरकास्ट मौसम विभाग ने इस बार दिए हैं कि इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि जो अवेलेबल वाटर है वो सब लोगों के पास में एटलीस्ट पेयजल और जो आवश्यक हम लोगों की दिनचर्या के रिक्वायरमेंट्स होता है उसको पूरा कर सके, उसमें किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में एक पूरा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हर क्षेत्र में पानी हम लोग अल्टरनेट डेज पर दे सके। आज आयुक्त महोदय भोपाल में भी हैं और कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट के साथ में उनकी आज बैठक है, और हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रयासरत हैं कि हम हर संभव प्रयास करें कि लोगों के पास में मिनिमम पानी तो जरूर पहुंच सके। लेकिन कई इलाके में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आदित्यपुरम का एक बड़ा इलाका है, स्कूल वाला इलाका है, ये पूरे ऐसे जगह है जहाँ पानी लाइन बिछी है लेकिन पानी आता है। इसको मैं दिखवा लेती हूँ, ये क्या इसका विशेष कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरे कंपूर इलाके में शहर में जो खदाने हैं पुरानी काफ़ी गहराई है, आपको लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उनके खराब के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है, कोई हादसे भी नहीं। हाल ही में जो काफीपुरम इलाके की खदानों की बात सामने आई है उसमें जुर्माने से बचने के लिए डेप्थ कम दिखाई गई है, क्या आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या निर्देश आपने दिए? ये विषय आज डेप्थ संबंधी आज ही मुझे एक जानकारी मिली है और इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोगों ने बताया होगा, आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले हम लोगों ने एक नोटिस भी इन माइनिंग वालों को दिया है कि यदि उनके माइनिंग प्लान का ही पार्ट था कि गड्ढों को एक्सकवेशन के बाद में उनको फिल करना है तो क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया, और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हो उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। महापौर ने पेयजल संकट के लिए सिंचाई विभाग को पूरी तरह दोषी ठहराया। उनका कहना है कि तिगरा बांध में पानी की उपलब्धता मौजूद जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, इसके लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए। पेयजल की समस्या है, क्या कैसे बुझाएगी ग्वालियर की? बारिश अच्छी न होने के कारण पेयजल संकट तो खैर ग्वालियर शहर पर गहराया हुआ है, और हम लोगों ने तिगरा का निरीक्षण किया था तो तिगरा में पानी बहुत कम है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए इरिगेशन विभाग भी दोषी है कि जब जिस तरह से हमारे ग्वालियर शहर की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो तिगरा था पहले वो जनसंख्या के हिसाब से उसका उसमें पानी जितना भी आ सकता था आ जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि संख्या बढ़ रही है तो इरिगेशन विभाग को जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका चौड़ी मतलब गहरीकरण भी करना चाहिए, और अभी हम लोगों ने देखा उसमें बहुत सील जमा है तो उसकी सफाई भी करवाना चाहिए और लीकेज भी है तो उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, तो हो सकता है तिगरा में पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा मतलब जमा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए इरिगेशन विभाग भी जिम्मेदार है, और मेरा तो मानना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इरिगेशन विभाग के लिए मतलब उनके कामों की निंदा करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको जो पैसा मिलता है वो कहाँ जा रहा है, और जो शहर में जल संकट है उसके लिए मैं अपने शहरवासियों से भी बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने पानी का बचाव करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो आए दिन मैं देखती हूँ सड़कों पर लोग लेजम से धो रहे हैं, ठीक है आप धोइए, लेकिन जब हमारे यहाँ पानी का जब जलमात्रा स्तर बढ़ जाए तब आप उपयोग कीजिए, लेकिन अभी जब संकट गहराए हो तो हम सभी की जिम्मेदारी कि हमें पानी सहज कर रखना चाहिए। वहीं ग्वालियर के पूर्व निगमायुक्त विनोद शर्मा का कहना है कि यहां हर तीसरे साल जल संकट आता है, लेकिन जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण ये हालात फिर बने हैं, साथ ही सिर्फ मौजूदा तिगरा बांध पर निर्भरता से ये स्थिति हमेशा बनेगी। पानी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, यदि बरसात नहीं होगी तो क्या कैसे गुजारा होगा ग्वालियर शहर बिना पानी? देखो ग्वालियर की हिस्ट्री में मैं विगत 10-12 साल से प्रशासनिक पदों पर रहने के कारण मुझे ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव है कि एवरी थर्ड ईयर तीसरे साल पानी का संकट आता ही है,
और जब जब पानी का संकट आता है तब उसके दो कारण होते हैं कि एक तो ग्वालियर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि ग्वालियर में औसत जो वर्षा हो रही है वो कम हो रही है। आप जून जुलाई के महीनों में देखोगे 4-5-6 दिन बस बरसात होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे ये स्वर्णरेखा नदी और मुरान नदी पूरी तरह से साफ भी नहीं हो पाती, यानी कभी यहाँ पर फ्लड आते थे। तीसरा कारण ये हो रहा है कि ग्वालियर शहर और ग्वालियर के आसपास जो 66 वार्ड बने हैं इनमें सब में खेती बंद हो गई, अब कॉलोनी कटना शुरू हो गई, पेड़ कटना शुरू हो गए, तो वर्षा कम हो रही है, दूसरी तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तीसरी तरफ बाहर गांव से लोग शहर में आ गए, तो जो पानी अभी आपूर्ति होती थी, क्योंकि तेगरा बना 5 लाख की आबादी के लिए, और तेगरा के बाद हमारे प्रशासन की ओर से या जनप्रतिनिधि ओर के ओर से कभी भी कोई स्थायी जल स्रोत नहीं बना, हम केवल एक तेगरा पर आश्रित हैं। और ग्वालियर की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है और आगामी 5 साल में बढ़ेगी, उसमें जल संकट हर साल आना है, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसके लिए 5 साल पहले से ये तैयारी चल रही थी कि भाई स्थायी जल स्रोत आए, तिगरा पे डिपेंडेंसी नहीं रहे, क्योंकि जब जब जल संकट आता है तब हम ककेटो पैसारी से पानी लिफ्ट करके लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार क्यों नहीं लिफ्टिंग की, जबकि आपको मालूम है कि आपके पास आपके रिजर्वायर में पानी 30 दिन का रह गया है या 20 दिन का पानी रह गया है, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तब थोड़ी हम उसमें जो है लिफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ एक चूक हुई है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के अधिकारियों से कि समस्या को समझा नहीं कि कितना पानी हमको डेली लग रहा है और हम पानी लिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे। और यहाँ मुझे जो कारण समझ में आया है उसमें दो बातें बताई गई हैं कि नगर निगम कह रहा है कि हमको इरीगेशन पानी लिफ्ट करके दे, और इरीगेशन कह रहा है कि हमारे डैम से हम पानी दे सकते हैं, लिफ्ट नगर निगम करें। तो एक तो ये विवाद की स्थिति है, इस विवाद की स्थिति को निपटाना चाहिए। पिछली बार भी पानी लिफ्टिंग हुआ है, नगर निगम के सुपरविजन में हुआ है, लिफ्टिंग इरिगेशन विभाग ने की है, उनको पैसा दिया जाता है और निगम को पैसा देना चाहिए। जो भी लिफ्टिंग में 10-12 करोड़ रुपया होता है, सूखा राहत से मत से आता है, कलेक्टर को पहल करके सूखा राहत मत मान के यहाँ पे पैसा मांगना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए, तोमर साहब को देखना चाहिए, ज्योतिराज सिंधिया जी को देखना चाहिए कि पूरा शहर पानी के मारे में त्राय त्राय मचा हुआ है और 2 दिन में पानी देने का निर्णय ले रहे हैं, ये कोई व्यवहारिक निर्णय नहीं है। मगर जनप्रतिनिधि दावे करते हैं कि हम चंबल से पानी ला रहे हैं, मगर अभी तक पानी आ ही नहीं पा रहा। ये यस एग्जैक्ट, मैं अब उसी बात पे आना चाहता हूँ कि स्थायी व्यवस्था करने के लिए क्या करना है कि हमको किसी स्थायी जल स्रोत से पानी आए। अब वर्ष 2019 में ही चंबल से पानी लाने की प्रस्ताव पूरा हो गया, परंतु एक छोटी सी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से, और वो प्रोजेक्ट अभी तक डिले हुआ। अब सुना है मेरे को टेंडर हो गए हैं और तेगरा से चंबल से पानी और कोतवाल डैम से पानी आ रहा है, परंतु उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने एन्वायरमेंटल एनओसी क्यों नहीं दिलाई, जबकि राजस्थान के जनप्रतिनिधि क्यों ले गए, राजस्थान में पानी चला गया, भरतपुर पानी चला गया, राजाखेड़ा पानी चला गया, धौलपुर पानी चला गया, इवन मुरैना को एनओसी मिली, तो ग्वालियर को एनओसी क्यों नहीं मिल रही। नंबर एक, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसको सीरियसली लिया नहीं। दूसरा इससे ये हुआ कि जो DPR वहाँ 400 करोड़ की बनी थी, अब DPR और महंगी बन गई, और ये जो खर्चा होगा 20-25 करोड़ जो बढ़ा वो किस पर जाएगा, पब्लिक पे आएगा। तीसरी बात, हम आज वहीं की वहीं खड़े हैं जहाँ पहले से 5 साल पहले चंबल के पानी लाने की घोषणा करते थे। ये घोषणा आपको मालूम हो, याद हो, माननीय CM साहब ने और माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि हम ग्वालियर को चंबल का पानी पिलाएंगे, परंतु उस प्रोजेक्ट की कभी कोई रिव्यू ही नहीं कर रहा है। यहाँ आते हैं नेता, देखते रहते हैं, कोई पूछते ही नहीं है कि चंबल के पानी का क्या हो रहा है। तो जब क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आप देख नहीं रहे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर जो है जनप्रतिनिधियों को, CM को, महापौर को यह धरना देना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई हमारा चंबल के पानी के प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है, मतलब सिंसियरिटी नहीं है उसमें। और जब तक चंबल से पानी नहीं आएगा यहाँ की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी।
अब देखना होगा कि ग्वालियर में गहराते जल संकट के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अगर मानसून निश्चित समय पर नहीं आया और बारिश अच्छी नहीं हुई तो लोगों को पानी को लेकर भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा। पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। Subscribe.